भले ही आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि लिंग में तनाव न आने की समस्या से ग्रसित हों और अपनी सेक्स डिजायर और क्षमता को बढ़ाना चाहते हों, लेकिन बिना अच्छे और सही खान पान के इसे सुधारना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि जो एक चीज सबसे अधिक पावरफुल और इफेक्टिव होती है वो है हमारा सही खान पान। तो इसी के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताऊंगा जो आपके सेक्स ड्राइव बढ़ाने के साथ लिंग में प्रॉपर और फुलर इरेक्शन लाने में काफी इफेक्टिव और असरदार होती है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में इरेक्शन को लेकर पूरा कॉन्सेप्ट और फिर उस पर फूड्स के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें लिंग में तनाव कैसे आता है इस प्रक्रिया को समझ लेना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे पेनिस के अंदर ब्लड के पाइप्स होते हैं, और जब उन ब्लड की पाइप्स में ब्लड भरता है तो हमारे पेनिस में इरेक्शन होता है। जैसे जब एक बैलून में आप हवा भरते हैं तो गुब्बारे का आकार बढ़ने और फैलने लगता है, उसी प्रकार से पेनिस का साइज ब्लड सर्कुलेशन से बढ़ता है। अब सवाल आता है कि पेनिस में ब्लड का फ्लो किन कंडीशन में बढ़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक केमिकल होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो पेनिस में एडिक्वेट मात्रा में होती है, और इसके लिए जरूरी है कि बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का एडिक्वेट मात्रा में संचार हो। और हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है एल आर्जिनिन का लेवल सही होने से, मतलब कि अगर एल आर्जिनिन की अच्छी मात्रा है तो हमारे बॉडी में इससे नाइट्रिक ऑक्साइड अच्छे से बनेगी, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड पेनिस में ब्लड के सर्कुलेशन को प्रमोट करेगी और फिर पेनिस में प्रॉपर और फुलर इरेक्शन आता है। तो हमें अपने पेनिस में प्रॉपर इरेक्शन लाने के लिए अपनी डाइट्स में एल आर्जिनिन का स्रोत लेने की जरूरत होती है। इसके अलावा अगर आप डाइट्स में ऐसे फूड्स लेते हैं जो जिंक, मैग्नीशियम और सेलेनियम प्रचुर मात्रा में होती है, तो ये फूड्स भी पेनिस इरेक्शन के लिए मददगार होती है। तो चलिए अब ऐसे फूड्स के बारे में जान लेते हैं जो बॉडी में एल आर्जिनिन का लेवल बढ़ाने के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाने में प्रमोट करता है। ऐसे फूड्स हैं तरबूज, क्योंकि तरबूज में एल आर्जिनिन रिच सोर्स होता है। दूसरा होता है काजू, बादाम और अखरोट, ये ड्राई फ्रूट्स भी एल आर्जिनिन का रिच सोर्स होता है, और इसके लिए आप इन सभी ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके भी दिन में एक बार सेवन कर सकते हैं। अगला फूड है कद्दू के बीज। इसके अलावा बेरीज होती है, वो भी सेक्सुअल ड्राइव को प्रमोट करती है, जैसे कि ब्लैकबेरी या फिर स्ट्रॉबेरी। इसके अलावा तिल भी इरेक्शन में मददगार होती है, क्योंकि ये भी एल आर्जिनिन का अच्छा स्रोत होता है। इसके अलावा अगर आप डेली लहसुन और लौंग का सेवन करते हैं तो ये भी पेनिस के फुलर इरेक्शन के लिए मददगार होती है। तो अगर आप नेचुरल तौर पर इरेक्शन की समस्या को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताए डाइट्स को फॉलो करने से और साथ ही डेली कुछ एक्सरसाइजेस करने से आपने सेक्सुअल वेलनेस के साथ संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि पेनिस में इरेक्शन कैसे आता है इस कॉन्सेप्ट के बारे में और फिर पेनिस में इरेक्शन लाने वाले फूड्स के बारे में आपको प्रॉपर और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई और समस्या है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने सुझाव या सलाह जरूर दें। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।